हे हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे एक गेमिंग कीबोर्ड की जिसका नाम है रेडगियर ब्लेज 3। तो यह जो कीबोर्ड है मैंने लिया था अमेजोन की तरफ से लगभग 800 रुपीज़ में। आप भी इसको किसी भी शॉपिंग साइट से ले सकते हैं, फ्लिपकार्ट या अमेजोन से। तो अब इस ऊपर वाले कवर को मैं जल्दी से हटा देता हूँ। तो जैसे आप उस ऊपर के पैकेजिंग को हटा देंगे तो आपको मिलेगा अंदर बॉक्स जो कि रेड कलर और ब्लैक कलर के कॉम्बिनेशन में। तो इसके अंदर है हमारा रेडगियर ब्लेज 3 का गेमिंग कीबोर्ड। तो इस बॉक्स की जो पैकेजिंग क्वालिटी है वो बहुत ही अच्छी है और यहाँ कुछ इन्फो दी गई है जिसमें लिखा है 3 LED कलर लाइट्स, 19 कीज एंटी घोस्ट और कुछ अदर इन्फो है यहाँ। तो यहाँ बॉक्स के इस साइड पे लिखा है एवरीवन इज गेमर और पीछे की तरफ आप कुछ दिए गए इस बॉक्स के स्पेसिफिकेशन जिसमें बताया गया है कि ये जो कीबोर्ड है एल्यूमिनियम से बनाया गया है। अब इस बॉक्स को मैं हटा देता हूँ और अंदर देख लेते हैं क्या क्या कंटेंट हमें मिल जाते हैं। तो जैसे आप इस बॉक्स को खोल देंगे तो आपको मिलेगी एक अंदर प्लास्टिक की बैग जिसमें हमारा रेडगियर ब्लेज 3 का कीबोर्ड और बॉक्स के अंदर कुछ भी ज़्यादा कंटेंट नहीं है, मतलब एक कोई गाइड वगैरह कुछ भी दिया गया नहीं, सिर्फ कीबोर्ड एक दिया गया है। तो इसके साथ जो केबल दी है उसकी क्वालिटी जो है बहुत ही अच्छी है और यहाँ एक जैक दिया गया है जो कि USB 2.0 3.0 के लिए सपोर्ट करता है। तो इसकी जो केबल है बहुत ही लंबी है और इसकी जो बिल्ड क्वालिटी वो भी है बहुत ही अच्छी है, तो केबल बहुत ही ज़्यादा ड्यूरेबल होगी। और यहाँ एक 3 नोटिफिकेशन लाइट दिए गए जो कि पहली वो नम लॉक, कैप्स लॉक और विंडोज़ के लॉक के लिए है। और यहाँ हमें रेडगियर का जो सिंबल है वो दिया गया है इस कीबोर्ड में और यहाँ हमें एक नमपैड और यहाँ बाकी की सारी कीज दी गई है। तो इसका जो स्पेसिंग है वो आप देख पा रहे हैं, इसका जो स्पेसिंग है बहुत ही बढ़िया है, यह बिल्कुल एक मैकेनिकल कीबोर्ड की तरह ही दिखता है मगर यह हमारा मैकेनिकल कीबोर्ड नहीं है। और यहाँ पीछे की तरफ आपको दो स्टैंड दिए गए हैं जो कि आपका कीबोर्ड जो है वो एक जगह पे फिक्स करने के लिए। यह टोटल 104 कीज है विद 1000 मिलियन कीस्ट्रोक लाइफ। और यहाँ जो एक व्हाइट कलर का जो प्लास्टिक दिया गया है इसमें हमारी जो लाइट है वो लगने वाली है, इसमें 3 लाइट्स दिए गए, रेड, ब्लू एंड पिंक। तो अब हम इसको लैपटॉप से कनेक्ट कर रहे थे, तो जैसे आप इसको लैपटॉप से कनेक्ट कर लेंगे यहाँ अपनी जो लाइट है वो लग जाएगी। तो पहली जो लाइट है वो रेड कलर की आएगी, फिर ब्लू कलर की आएगी और इसके बाद पिंक कलर की लाइट आने वाली है। तो यहाँ आपका स्क्रोल लॉक का जो बटन है वो आप जैसे ही दबा देंगे तो लाइट जो अपनी चेंज होने लग जाएगी। तो इसकी जो कीज़ है आपको एकदम मैकेनिकल कीबोर्ड की तरह फील देगी और आपको जो टाइपिंग है वो बहुत ही स्मूथली हो जाएगा। तो जैसे आप कोई भी कीज़ दबाएगी तो आपको कुछ इस तरह का साउंड आएगा, आप इसको देख लीजिएगा। जैसे आपने अभी देखा इसकी जो कीज़ की जो साउंड है बहुत ही बढ़िया है। अब मैं आपको इसका एक फीचर बताने वाला हूँ। तो जैसे आप फंक्शन की प्लस स्क्रोल की जो की है वो एक साथ दबा देंगे तो इसका जो कलर है ऑटोमेटिकली चेंज होता रहेगा और इसके साथ आप इसका कलर जो है मैन्युअली सेट कर सकते हैं। इस कीबोर्ड का जो एक खास फीचर है वो है एंटी घोस्टिंग। एंटी घोस्टिंग मतलब जब आप 10 या 12 की एक साथ दबाएंगे तो CPU आपको डायरेक्टली डिस्प्ले करेगा मॉनिटर पे 10 या 12 की जो भी आपने दबाई होगी, मगर ये सिंपल कीबोर्ड से एकदम इम्पॉसिबल है। जैसे आप अभी मैंने आपको दिखाया तो इसने डायरेक्टली 3 या 4 की डिस्प्ले करा दी, मगर जब मैं ये रेडगियर ब्लेज 3 से करता हूँ तो ये डायरेक्टली 10 या 12 की आपको डिस्प्ले करा देगा। तो यह गेमिंग के लिए बहुत ही यूजफुल है, जैसे कि मॉडल कॉम्प्लेक्स में हम बहुत ही सारे कीज को कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं तो उसमें यह यूजफुल रहेगा।
तो इसका जो थर्ड फीचर है वो है विंडोज की लॉक। जब आप गेम खेलते हो और गलती से आपके हाथ से अगर विंडोज की दब गई तो आपको डायरेक्टली डेस्कटॉप पे आना पड़ता है। तो यह अवॉइड करने के लिए विंडोज की लॉक का जो ऑप्शन है वो आपको दिया गया है। तो इसको एनेबल करने के लिए आपको विंडोज की प्लस फंक्शन की का जो कॉम्बिनेशन दबाना पड़ेगा, और जैसे आप इस कॉम्बिनेशन को दबा देंगे तो आपको विंडोज की का जो लॉक है ऑप्शन है वो इनेबल हो जाएगा। तो मैं यहाँ विंडोज की दबा रहा हूँ, मगर विंडोज का जो पॉपअप है वो नहीं आ रहा है। तो यह बहुत ही एक यूजफुल फीचर है। और जैसे अब मैंने इसको डिसेबल कर दिया तो आप देख सकते हैं इसका जो विंडोज का जो पॉपअप है वो बाहर आए हैं।